हेलो गाइज, सेविंग पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हर महीने का सिर्फ 1500 रुपये बचत करके यहाँ पर अगर आप देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी SBI के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ही टाइम बाद आपको 2,14,00,000 रुपये का एक बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी पर मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊँगा जिसके जरिए आप मंथली सिर्फ 1500 रुपये की SIP करके हर साल 5,00,000 रुपये का जो रिटर्न है वो कमा सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर SBI की ऐसी कोई 1,015 रुपये मंथली सेविंग वाली स्कीम बताएं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी जो मैच्योरिटी है वो हासिल कर सकें। तो उसी को लेकर दोस्तों हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मंथली सिर्फ 1500 रुपये का निवेश आपको 2,00,00,000 रुपये से भी ज़्यादा का जो फंड बनाकर दे सकता है। तो देखिए, यहाँ पर अभी आपकी एज 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल है और आप इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर दोस्तों मंथली वाइज कम पैसा निवेश करके एक बड़ा फंड बन जाए, जिससे यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में आपको जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो ना हो। तो इसके लिए दोस्तों SBI की शानदार स्कीम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि अगर आप पोस्ट ऑफिस LIC स्कीम्स या फिर किसी बैंक में FD करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों रिटर्न्स तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से लेकर 8% मिलेगा, और वो भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इसके लिए दोस्तों भले ही आप कम पैसे निवेश करें, बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते हैं जहाँ पर रिटर्न्स आपको कंपाउंड होकर मिलता है, तो SBI के दोस्तों ये शानदार फंड कौन सा है, कितना रिटर्न्स इस फंड से मिल सकता है और 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप कितने टाइम के अंदर 2,14,00,000 रुपये का जो फंड बना सकते हैं। दोस्तों, फंड की डिटेल देखने के बाद हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके भी देखेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हर महीने 1500 रुपये की SIP शुरू करते हैं तो SBI के ज़बरदस्त फंड यानी कि SBI मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर SIP शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। सबसे पहले इस फंड की जो बेसिक डिटेल है वो समझते हैं कि ये फंड कैसा है, पास्ट में इस फंड ने रिटर्न्स कैसा दिया है, इसके चार्जेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो देख लेते हैं। तो जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर इसका ऑल टाइम रिटर्न्स 20.22% का है, जबकि लास्ट 5 साल की बात करें तो इस फंड ने 23.28% का रिटर्न्स दिया है। वहीं लास्ट 3 साल में देखें तो 30.01% का, और पिछले सिर्फ 1 साल की बात करें तो भी इस फंड ने 27.61% के शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। यानी दोस्तों, ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स है वो 20% से ज़्यादा गए हैं। इस फंड की अगर बेसिक डिटेल में NAV प्राइस की बात करें तो वो करंट में 209 रुपये की है। NAV प्राइस वो प्राइस होता है जब दोस्तों आप पैसे निवेश करते हैं उस समय के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको जो यूनिट अलॉट की जाती है। फंड की रेटिंग 5 है। वहीं फंड साइज की बात करें तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर 13,202 करोड़ रुपये लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये की SIP से निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं फंड के दोस्तों अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें यानी कौन कौन सी कंपनी के अंदर इस फंड का पैसा लगाया जाता है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर क्रिसिल लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, थर्मैक्स, टोरेंट पावर और पेज इंडस्ट्रीज जैसे टोटल 71 कंपनीज हैं जिनके अंदर इस फंड का पैसा है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वहीं इस फंड के खर्चे यानी कि एक्सपेंस रेशियो की बात करें वो यहाँ पर 0.85% का है। तो दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पर बेसिक डिटेल। चलिए अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर मंथली सिर्फ 1500 रुपये की SIP शुरू करते हैं और रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं 18% का, क्योंकि पिछले 10 सालों से इसका जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 20% से ज़्यादा का है, बट हम यहाँ पर 2% कम करके 18% ये जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड में सबसे पहले बात करें 5 साल के टाइम पीरियड की, तो इसमें मंथली 1500 रुपये SIP के जरिए टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 90,000 रुपये, जिसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 146,487 रुपये। भाई यहाँ पर 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1500 रुपये मंथली के जरिए 180,000 रुपये का, जबकि जो आपको 10 साल बाद रिटर्न्स मिलेगा वो 5,66,386 रुपये का। वहीं इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर अगर 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,70,000 रुपये, जबकि जो आप फाइनल रिटर्न्स बनेगा वो 13,78,813 रुपये का। इस टाइम पीरियड को अगर बढ़ाकर 5 साल और यानी कि 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपये का। यानी 20 साल में आपके पास टोटल 35,15,237 रुपये का एक बड़ा फंड है जो तैयार हो जाएगा। वहीं यहाँ पर 25 साल के टाइम पीरियड में देखें तो टोटल आपका 4,50,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट होगा और उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी
वो 87,34,968 रुपये की। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप आने वाले 30 साल तक हर महीने 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के जरिए, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मात्र 5,40,000 रुपये। जबकि जो फाइनल वैल्यू बनेगी 1500 रुपये की, वो यहाँ पर 2,14,27,934 रुपये की। यानी यहाँ पर दोस्तों आपके द्वारा मंथली बचाए गए सिर्फ 1500 रुपये आपको आने वाले फ्यूचर में 2.25 करोड़ रुपये का जो फंड बनाकर देगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 1500 रुपये नहीं है, आप सिर्फ मंथली 500 रुपये SIP करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप 500 रुपये SIP करते हैं तो 30 साल में टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1,80,000 रुपये, जिसकी फाइनल वैल्यू होगी 71,62,645 रुपये। अगर रिटर्न्स आपको है जो 18% का मिलता है तब, वही मान लीजिए रिटर्न्स थोड़ा सा कम होकर मिलता है तो भी दोस्तों मात्र 500 रुपये मंथली SIP आपको यहाँ पर 30 साल में 50,00,000 रुपये का जो फंड बनाकर देगी, जिससे दोस्तों आने वाले फ्यूचर में आप अपना नया घर खरीद सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसों काम में ले सकते हैं या फिर उनकी शादी कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ जिसके जरिए आप हर साल 5,00,000 रुपये से भी ज़्यादा का जो रिटर्न्स कमा सकते हैं। वो कैसे, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अंदर PPF या LIC स्कीम के अंदर, वहाँ पर आप जो लॉन्ग टर्म देते हैं जिसमें 10 से लेकर 15 साल तक काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उसमें भले ही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहें बट आप साथ में 1500 रुपये की मान लीजिए मंथली अगर आप SIP शुरू करते हैं SIP के इस फंड के अंदर और रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंट 18% का मिलता रहता है, तो दोस्तों आप कंटिन्यू मान लीजिए 16 साल तक अगर SIP करते हैं 1500 रुपये की, तो 16 साल में जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो 16,68,000 रुपये का। अब इसमें दोस्तों आप मान लीजिए एक साल और यानी कि 17 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 16,68,000 की जगह जो आपके पास फंड बनेगा वो 20,14,000 रुपये का, वहीं 18 साल में 24,28,000 का, 19वें साल में 29,23,000 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल यहाँ पर 4 से लेकर 5,00,000 रुपये का जो फंड है वो बढ़ रहा है सिर्फ मंथली 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर। 20वें साल में 35,15,000 रुपये का, 21वें साल में 42,22,000 रुपये का, वहीं 22वें साल में 42,00,000 से बढ़कर 50,68,000 रुपये। यानी दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब, अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू ऐसे भी करते हैं तो उसके बाद दोस्तों हर साल आपके पास 4 से लेकर 5,00,000 रुपये का जो रिटर्न्स बनेगा मात्र 1500 रुपये मंथली SIP करने पर। चलिए फॉर्मूला और कैलकुलेशन हो गई, अब यहाँ पर दोस्तों बात करें कि SBI म्यूचुअल फंड हाउस ही बेस्ट क्यों है। तो यहाँ पर इसके फंड हाउस की बात करें तो इंडिया में इसकी रैंक नंबर 1 पर है, वहीं इसके टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज की बात करें तो 8,21,488 करोड़ रुपये का है। यानी इतने पैसे लोगों ने SBI की स्कीम्स के अंदर है जो अलग अलग प्लान्स के अंदर निवेश कर रखे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें, थोड़ा खुद से भी रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना पैसा है जो इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं और बिना रिसर्च किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको है जो लॉस भी देखने को मिले, इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद ही है जो पैसे इन्वेस्टमेंट कराएं। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, साथ ही यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।